कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पूर्व सांसद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। पूर्व सांसद पर जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर को जान से मारने की धमकी देने के साथ रंगदारी मांगने का आरोप है। जौनपुर पुलिस की टीम ने रविवार की रात धनंजय सिंह के जौनपुर आवास पर छापेमारी की। पुलिस टीम ने आवास से पूर्व सांसद के साथ ही विक्रम सिंह को भी गिरफ्तार किया है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक अभिनव सिंघल ने पूर्व सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कंस्ट्रक्शन कंपनी मुजफ्फरपुर की है। कंपनी के पास लगभग 300 करोड़ की लागत से जिले में सीवर लाइन बिछाने का टेंडर है। कंपनी के मालिक की ओर से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद हरकत में आई पुलिस ने पूर्व सांसद के आवास पर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया। छापेमारी के लिए आधा दर्जन थानों की फोर्स लगाई गई थी। जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी से सांसद रहे बाहुबली धनंजय सिंह का अपराध जगत तथा विवादों से काफी पुराना नाता है। धनंजय सिंह को रविवार रात पुलिस ने गिरफ्तार किया और आज उनको जौनपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद पूर्व सांसद ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। झूठी FIR करवाई है, महाकरप भ्रष्ट भ्रष्ट मंत्री है, इसकी जांच करवाएंगे लोकायुक्त से। ये यहां पर जितने ठेकेदार STP इसका विवाद बहुत पहले से चल रहा है। जिले के डेवलपमेंट को लेके हमने एक ऑडिटोरियम यहाँ स्वीकृत कराया था, सिर्फ ठेकेदारी के विवाद में इसको कैंसिल कराया यहाँ से। उसके बाद STP प्लांट के जितने इसने अपने ठेकेदार, जब नगर विकास मंत्री था तो इस आदमी ने सब सारे काम किए यहाँ पे करप्शन के। आप लोग इस जनपद के रहने वाले हो, 2017 से पहले उसकी पोजीशन देख लीजिए और अभी आप जाके तीन साल भी हुए सरकार में, उसको 3 सालों में आप देख लीजिए 100 करोड़ की संपत्ति बना के खड़ा हुआ है। लोकायुक्त से जांच भी करवाएंगे और चूंकि उसके गलत कामों का हम विरोध करते हैं और निरंतर जब से कोरोना COVID-19 यहाँ पे प्रकोप आया है तब से निरंतर लास्ट 50 डेज से हमारे लोग एनएलसी विजय सिंह प्रिंसू जी और हमारे जितने क्षेत्र के हमारे समर्थक कार्यकर्ता साथी हैं सहयोगी हैं लत के लोगों की सेवा कर रहे थे जनपद में जिले में। ये भयभीत था कि ऐसा ना हो कि आने वाले चुनाव में इसको बड़ी दिक्कत होगी और निश्चित रूप से दिक्कत होगी, जनता जवाब देगी इसको अगला चुनाव। टोटली व्यक्तिगत है, कहीं कोई विषय नहीं है। और जिस तरीके से आप FIR पढ़ लीजिए, जिस तरीके से धाराएं लगाई गई हैं, टोटली मलिफाइड इंटेंशन है गिरीश यादव और यहाँ के SP की मिली भगत से इस तरीके काम होगा। इतना बड़ा आरोप आपको अगला कदम आपका क्या उठाएगा? अरे हम न्यायपालिका से तय कर देंगे, न्यायपालिका तय कर दे, खुद ही FIR कहीं स्टैंड नहीं करने वाला है। अभी कल DG साहब के यहाँ डेट पड़ेगी, अपने आप विल बी डिसाइडेड। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात वर्मा। Thank you.